नमस्कार मु निरंजन दक्षता इंस्टीट्यूट रही यूट्यूब चैनल को समस्त को स्वागत करुच्ची। तो आज आम एक गुरुत्वपूर्ण विषय को आलोचना करवा जामितीर मौलिक धारणा बा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ ज्योमेट्री। तो यही जो चैप्टरटा मुझे पढ़ी यहाँ षष्ठ श्रेणी ठू आरंभ कर दशम श्रेणी पर्यंत समस्त दरकार पड़ो तेणु ये भिडियोटी समस्त पाखक निश्चित भाव सेयार करदेव जहाद्वारा कि बहुत किसी ज्ञान ये वीडियो माध्यम से माने पाई पारे। तो वर्तमान आम जानवा जियोमेट्री कौन यो जियोमेट्री वार्ड आसला ये जियोमेट्री बोले कौन। तो देख पिले ये जो जियोमेट्री वार्डटा देख जियोमेट्री तो जियोमेट्री वार्ड कौन है पिले तो दीटा ग्रीक वार्ड रु ये जियोमेट्री तैयार कौन कौन से दीटा ग्रीक वार्ड तो गोटे हूँ जियो आउ गोटे हूँ मेट्रन। ठीक अच्छे गोटे हूँ जियो आउ गोटे हूँ मेट्रन बा तुम ओडिया तुम देख ओडिया तार कौन अच्छी जमी जमिति अच्छे ये तो कौन से जमिति जदि बाहर करवा तो जमिति कौन से तो जा आउ मिति दीटा वार्ड को लेकर आम जमिति सृष्टि तो जा मान कौन जार अर्थ हूँ पिले कौन पृथ्वी जार अर्थ हूँ पृथ्वी। ठीक अच्छे जार अर्थ हूँ पृथ्वी बा अन्य अर्थ में आम आपको भूमि ग्रहण कर भूमि मान पार पृथ्वी बा भूमि। ठीक अच्छे देन मितिर अर्थ कौन मितिर अर्थ हूँ परिमाप माप बुझिपार सीम तुम इंग्लीश टर्म टाक देख जुअर अर्थ हूँ कौन पृथ्वी आ मेट्रन अर्थ हूँ परिमाप। तो बुझिपार ए तो साधारणतः जमी माप कर आवश्यकता यही जमितर सृष्टि बुझिपार जेहेतु जो भूमि आसला बा जमी आसला। ठीक अच्छे से जमी माप कर आवश्यकता हि जमितर सृष्टि मानव सभ्यतार क्रम विकास सहित जमितर भरपूर जड़ित होगी कारण बिना जमितर मानव सभ्यतार विकास असंभव तेणु जमित को कौन जमितर व्यवहार आमर मनुष्यर विकास मानव समाज विकास सहित संपूर्ण भाव ये जड़ित अच्छी। तो तुम जब देख बहुत पुरातन कालर मान वैदिक काल तुम जब देख तो से जमिति को उपयोग करुले तो तुम्हें बर्तमान पिले घरे समस्ते सीरीयल देखु रामायण महाभारत सीरीयल देखु तो से कौन करती ना जो मुनि ऋषि मैंने जिते यज्ञ करती तो यज्ञ कुंडटा यही प्रकार होता है। तो तुम देखि समस्ते यज्ञ कुंडटा तो यही प्रकार होता चारिपट विभिन्न सब झोटी करेंगे यही प्रकार सब झोटी करेंगे कर झोटी गुड़ाक बुझिपार्चना। तो यही स्पष्ट जमापड़ी तो बहु पुरातन कालर मध्य जमितर व्यवहार से मैंने करुले तो युवा सब जमितर व्यवहार बुझिपार्च तो साधारणतः से यज्ञ कुंड तैयारी करते देन पूजा विधि विभिन्न सब झोटी आंकुले तो यही स्पष्ट जमापड़ी जमितर व्यवहार बहुत पुरातन कालर हो तो तुम जब देख आनुमानिक ख्रीष्टपूर्व 800 रु आरंभ कर ख्रीष्टपूर्व 500 पर्यंत भारत में गोटे सूत्र से प्रचलित होता से कौन सुर्ब सूत्र बोलता से कौन थी सुर्ब एवं भी अच्छी सुर्ब सूत्र कौन देख पे सुर्ब सूत्र बुझे दूसरी सुल्बर अर्थ हूँ पे दौड़ी ये जो सुल्ब आसला सुल्बर अर्थ हूँ दौड़ी माने दौड़ी दौड़ी को कौन मापन कौन गोटे इंस्ट्रुमेंट मध्यम आपको व्यवहार करते मानने कौन सी जिनस मापापी से दौड़ी को उपयोग करते। ठीक अच्छे एवं भी करें देखि विभिन्न काठ काम कला समय हो नचे तो घर जिते बड़े ग्रिल बसाती तो तार माप या गोटे घर रही तो से जो ग्रिल बसा जाए तो युवा सब ये सब मापापी कौन ये दौड़ी को साधारण एवं लोक व्यवहार करपी से मैंने कौन जो ग्रिल बनाती कौन ताक दे सब माप गुड़ाक से हिसाब से ग्रिल तैयारी कै बुझिपार्चना। तो ये हूँ सुल्ब सूत्र तो सेतेबेले इटा को व्यवहार करते के पाखापाखि ख्रीष्टपूर्व 800 रु ख्रीष्टपूर्व 500 मध्य सूत्रा से प्रयोग करते मैंने भाव बहुत पुरातन कालर यह जमितर व्यवहार ही आसूसी जेहेतु से कौन टैप नथिला कि संख्यार विकास हो नाला तेणु से दौड़ी को गोटे इंस्ट्रुमेंट भाव में व्यवहार करते कौन सी जिनस को मापापी जमी रुवा घर हो तो से गुड़ाक सब व्यवहार करते। ठीक अच्छे तो तापर तुम देख जमी तुम इतिहास पढ़ थ महेन्जोदार विषय पढ़ थ हरप्पा विषय पढ़ थ
तो से सब सभ्यता गुड़ाक ध्वंस हो जाता विनाश हो जाता तो तार जो ध्वंस विशेष बाहर तार जो जो पार्ट गुड़ाक पर मिलता तो से स्पष्ट जना पड़ा जे जामित्र बहुत मात्रा रे विकसित होता तो से जो ध्वंसावशेष पर से जहाँ कि मिलता तो से सब जामिति उपयोग कर जिनस से आविष्कार कर ठीक अच्छे आम जब देखा पुरतन काल में राजा मैंने गोटे राज्य को आउ गोटे राज्य आक्रमण करते ठीक अच्छे तो से कौन करते राज्य आक्रमण करने पूर्व से नक्शा प्रस्तुत करते ठीक अच्छे तो नक्शा प्रस्तुत करो जगह को आक्रमण करेंगे कौटी सैन्य बाहन पठेबे तो यही प्रकार संपूर्ण भाव आलोचना करुले राज्य को आक्रमण करने पूर्व से सब आलोचना करुले तार तो ये स्पष्ट जना पड़ी तो से जामिति को बहुत मात्रा व्यवहार करुले तो जदि ठीक पर देख प्राथमिक अवस्था जो जामिति सिद्धांत गुड़ाक आूत्र गुड़ाक परीक्षामूलक भाव से प्रयोग करते एवं जमीन आम पढ़ुचे विभिन्न प्रकार सूत्र पढ़ुचे पिथागोरस उपपाद्य पढ़ुचे क्रामेस रूल पढ़ुचे एगुड़ा सब जहाँ भी पढ़ुचे तो सेगुड़ा कौन करते ना विभिन्न प्रकार गणितज्ञ मैंने से मैंने कौन जुक्तियुक्त मध्यम से सब प्रमाणित करमक तो सेतबेले कौन से गुड़ा तो किसी नथिला तो सेतबेले से जो भी गणितज्ञ गुड़ाक सब नुआ नुआ आरंभ करुले तो सेतबेले से कौन करते परीक्षामूलक भाव से सब प्रयोग करुले ठीक अच्छे तो सेतबेले तुम जो देख थालेस थिले ठीक अच्छे तो सेतबेले से नुआ नुआ सब आसते थालेस तो थालेस होती बहुत पुराणा मानने ख्रीटपूर्व 640 रु 546 पर्यटन जीवन काल थी तो से भितर सी विभिन्न प्रकार सब पुस्तक गुड़ाक लिखी थे कौन तुम्हें थालेस उपवाद्य पढ़ थो ठीक अच्छे तो ये थालेस कौन करते विभिन्न प्रकार सब जामिति शास्त्र को मध्य बहुत उन्नति दिगरे सी कम करते ठीक तापर तुम देख थालेस पर आसते किए ताकर शिष्य माने थालेस शिष्य आसते किए थालेस शिष्य आसते पिथागोरस किए आसते पिथागोरस ठीक अच्छे पिथागोरस आसते पिथागोरस विषय अलरेडी तुम पढ़ी मुझ पूर्व भिडियो गोटे अपलोड करी पिथागोरस उपाद्य जी गोटे समकोण त्रिभुज हो ठीक अच्छे ये जब समकोण है तो यहाँ हो कौन तार कर्ण हो सम्मुखीन बाड़ा तो यहाँ हो कौन भूमि सीधे यहाँ हो लंब तो ये गोटे सूत्र था कौन ना कर्णर स्क्वेयर इज इक्वल टू कौन लंबर स्क्वेयर प्लस भूमिर स्क्वेयर तो ये गोटे सूत्र था तो यहीटा को किए उपस्थापन करते पिथागोरस उपस्थापन करते सी आविष्कार करते तेनालीसार यहाँ को पिथागोरस उपवाद्य कहु तार व्यवहार करशेषकर आम त्रिकोण मित्र यार बहुत मात्रा व्यवहार हुए ठीक अच्छे तो ये थे पिथागोरस पिथागोरस ताकर जीवन काल थी ख्रीष्टपूर्व 580 रु 500 मध्य से कौन विभिन्न प्रकार सब गणित शास्त्र बहुत उन्नति दिगरे से प्रयास करते पिथागोरस शिष्य थे किए शिष्य थे शिष्य थे सक्रेटिस देख नाम जब लिखी दूसरे किए किए थे सक्रेटिस थे ठीक अच्छे देन आउ किए थे देन प्लाटो थे ठीक अच्छे प्लाटो थे देन आउ किए थे आरिस्टोटल थे आरिस्टोटल शुण थ बहुत पूरा फेमस गणितज्ञ से थे आरिस्टोटल ठीक अच्छे आरिस्टोटल तो एमाने थिले सब पिथागोरस शिष्य बुझिपार तो एमाने सक्रेटिस सक्रेटिस जीवन काल थी 468 रु ख्रीष्टपूर्व 468 रु 390 पर्यंत जीवन काल थी प्लाटो थे ख्रीष्टपूर्व 430 रु 349 पर्यंत जीवन काल थी आउ आरिस्टोटल थे 384 रु 322 पर्यंत तो एतिक भितर से विभिन्न प्रकार सब गणित शास्त्र को उन्नति दिगरे आने से माने भरपूर प्रयास करते तो आम भी जहाँ कि पढ़ुचे तो एमानकर अवदान से सब ठीक अच्छे तेणु एमानकर महान अवदान अच्छी ये जामिति शास्त्र को उन्नति दिगरे आने वा गणित शास्त्र को उन्नति दिगरे आने पर तुम देखी थे कौन थी ना ख्रीष्टपूर्व चतुर्दश शताब्दी में ग्रीस रे गणितज्ञ थे यूक्लिड यूक्लिड बोले जन गणितज्ञ थे ठीक अच्छे तो ताके गोटे पुस्तक लिखी थे ना मुझे लिखी दूसरी पे ये यूक्लिड बोली थे यूक्लिड ठीक अच्छे ये कौन करते गोटे पुस्तक लिखी थे से पुस्तक ना हूँ पे इलेमेंट्स से पुस्तक ना हूँ इलेमेंट्स ये जो इलेमेंट्स बोले जो पुस्तकटा से लिखी थे एथे से कौन करते ना विभिन्न प्रकार सब जहाँ भी गणित शास्त्र पूर्व इन सब जहाँ भी किसी आविष्कार करते तो या कौन करते संपूर्ण भाव
ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ବୁଝିଲେ ଏତେ ସବୁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଆଉ ପରେ ପରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ସବୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ ଠିକ ଅଛି ତ ୟାପରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ କ'ଣ ନା ଏମାନେ ସବୁ ଯାହା ବି ନିୟମ ସବୁ ମାନିଥିଲେ ତ ପ୍ରଥମରୁ ମାନି ନେଇଥିବା ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପାଇପାରିବା ସମ୍ଭବ ବୋଲି ଇଏ ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତି କ'ଣ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଉପାୟ ବାହାର କରିଥିଲେ ମାନେ ଏମାନେ ଯାହା ବି କିଛି ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ତ ୟାକୁ ନେଇକରି ଆମେ ନୂଆ କିଛି ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିପାରିବା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ୟୁକ୍ଲିଡ୍ ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ସେସବୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଇଲିମେଣ୍ଟସ୍ ବୋଲି ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକଟା ଲେଖିଥିଲେ ସେଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ୟୁକ୍ଲିଡ୍ଙ୍କର ଏତେ ବଡ଼ ଅବଦାନ ଥିଲା ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା କରି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ପୁସ୍ତକରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ତେଣୁ ୟୁକ୍ଲିଡ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ୟୁକ୍ଲିଡ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଜ୍ୟାମିତିର ଜନକ ବୋଲି ବା ଫାଦର୍ ଅଫ୍ ଜିଓମେଟ୍ରି ତେଣୁ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବ ପିଲେ ୟୁକ୍ଲିଡ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ୟାମିତିର ଜନକ ଜ୍ୟାମିତିର ଜନକ ବା ଫାଦର୍ ଅଫ୍ ଜିଓମେଟ୍ରି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଫାଦର୍ ଅଫ୍ ଜିଓମେଟ୍ରି ଠିକ ଅଛି ତେଣୁ ୟୁକ୍ଲିଡ୍ଙ୍କର ଅବଦାନ କିଛି କମ୍ ନଥିଲା ବହୁତ ଅବଦାନ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ୟାମିତିର ଜନକ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ତ ଏବେ ତମେ ଯେଉଁ ଯାହା ବି ଜ୍ୟାମିତି ବହିରେ ତମେ ଯାହା ବି କିଛି ପଢ଼ୁଛ ଦେଖ ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ସବୁ ୟୁକ୍ଲିଡ୍ ଜ୍ୟାମିତି ୟୁକ୍ଲିଡ୍ ଜ୍ୟାମିତି ବୋଲି ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର କ'ଣ କରିଥିଲେ ସେ ସବୁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ଏମାନେ ସବୁ ଯାହା ବି କିଛି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ୟାକୁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯାହା କିଛି କ'ଣ ଭୁଲ ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ାକ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଗୋଟେ ନୂତନ ପୁସ୍ତକ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ମାନବ ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶ ପାଇଁ ସେସବୁ କ'ଣ ପୁସ୍ତକ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ଲେଖିଥିଲେ ଜ୍ୟାମିତି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ତାକୁ ବିକାଶ ଦିଗରେ ଆଗକୁ ନେଇଥିଲେ ତେଣୁ ୟାଙ୍କର ଅବଦାନ ବହୁତ ଅଧିକା ଥିଲା ତ ତାପରେ ପରେ ତମେ ଯଦି ଦେଖିବ ଭାରତୀୟ ଗଣିତଜ୍ଞମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅବଦାନ ବହୁତ କିଛି ଥିଲା ଭାରତୀୟ ଗଣିତଜ୍ଞ ଭିତରେ କିଏ କିଏ ଥିଲେ ଯେମିତି ଆମର ଭାସ୍କର ଥିଲେ ଦେନ୍ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ ଥିଲେ ଦେନ୍ ରାମାନୁଜନ୍ ଥିଲେ ତ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଣିତଜ୍ଞ ଗୁଡ଼ାକ ତ ଏମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅବଦାନ ଏଇ ଜ୍ୟାମିତି ଶାସ୍ତ୍ରର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସେମାନେ ବହୁତ କିଛି ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ତ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଜ୍ୟାମିତିର କିଛି ଟର୍ମ ବିଷୟରେ ତ ଏବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ବି କିଛି ମୁଁ ବୁଝେଇଲି ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ତମେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ବୁଝିଥିବ ଠିକ ଅଛି ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଜ୍ୟାମିତିରେ ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଥିବା କିଛି ପଦ ବା ଟର୍ମ ଗୁଡ଼ାକ ତ କ'ଣ କ'ଣ ସେ ଟର୍ମ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତ ଦେଖ ପିଲେ କ'ଣ କ'ଣ ସେ ପଦ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ବିନ୍ଦୁ ତାପରେ ଅଛି ରେଖା ବା ସରଳରେଖା ତାପରେ ଅଛି ରଶ୍ମି ତାପରେ ଅଛି ରେଖା ଖଣ୍ଡ ଠିକ ଅଛି ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ବିନ୍ଦୁ ବିଷୟରେ ତ ବିନ୍ଦୁ କ'ଣ ନା ଯେହେତୁ ୟାର କିଛି ଡେଫିନେସନ୍ ନାହିଁ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ସଂଜ୍ଞାବିହୀନ ପଦ ତ ବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସଂଜ୍ଞାବିହୀନ ପଦ ଠିକ ଅଛି ତ ବିନ୍ଦୁ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ତମେ ଯଦି ଦେଖିବ ତ ତମର ଯେମିତି ଦେଖୁଥିବ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ତମକୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଯଦି ୟାକୁ ଆମେ ଯଦି କ'ଣ ଗୋଟେ ସମତଳ ନେବା ତ ସମତଳ ଉପରିସ୍ଥ ଯଦି ଏଇଠି ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ପେଣ୍ଟ ଛିଦ୍ର କରିବି ଦେଖୁଛ ନା ଠିକ ଅଛି ଦେଖୁଛ ନା ତ ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଠିକ ଅଛି ତ ଏସବୁ ଯାକ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ବୁଝାପଡ଼ୁଛି ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ରେଖା ବା ସରଳ ରେଖା ରେଖା ଯାହା କୁହାଯାଏ ସରଳ ରେଖା ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଦେଖ ପିଲେ ଯଦି ଏଇଟାକୁ ଦେଖିବା ଆମେ ବାସ୍ ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ରେଖା ବା ସରଳ ରେଖା ବୁଝାପଡ଼ୁଛି ଉଭୟ ଦିଗରେ ସୀମାହୀନ ଭାବେ ବିସ୍ତୃତ ରେଖା ସୀମାହୀନ କ'ଣ ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଏରୋ ମାର୍କ ଯେଉଁ ରହିଲା ଏପଟେ ଯେଉଁ ତିରଚିହ୍ନ ରହିଲା ଆଉ ଏପଟେ ବି ତିରଚିହ୍ନ ରହିଲା ୟାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପିଲେ ଇଏ ବନ୍ଦ ନୁହଁ ମାନେ ଏପଟେ ଇଏ ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିବ ଆଉ ଏପଟେ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିବ ମାନେ ସୀମାହୀନ ଭାବେ ବିସ୍ତୃତ ରେଖା ଇଏ ବୁଝାପଡ଼ୁଛି ତ ଇଏ ହେଉଛି ରେଖା ବା ସରଳ ରେଖା ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ରଶ୍ମି ରଶ୍ମି କ'ଣ ଦେଖ ରଶ୍ମି ହେଉଛି ଗୋଟେ ପଟେ ହେଇଥିବ ଇଏ ଥିଲା ଆମର ରେଖା ହେଲା ଇଏ ହେଉଛି ରଶ୍ମି ରଶ୍ମି କ'ଣ ଦେଖ ଗୋଟେ ପଟେ ଏଇ ଧର ଗୋଟିଏ ପଟେ ତିରୁଚିର ମାନେ ଏପଟେ ଥିବ ନଚେତ ଏପଟେ ଥିବ ତ ଏଇ ଦୁଇଟି ଯାକ ହେଉଛି ରଶ୍ମି ଠିକ ଅଛି ଦେନ୍ ଦେଖିବା ରେଖାଖଣ୍ଡ ରେଖାଖଣ୍ଡ କ'ଣ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ରେଖା ବା ସରଳରେଖା ପଡ଼ିଲେ ୟାର କିଛି ଗୋଟେ ଅଂଶ ମାନେ ଏମିତି ହେଇଥିବ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶ ଥିବ ମାନେ ୟାର ଦ୍ରବ୍ୟ ଥିବ ବୁଝିପାରୁଛ ୟାର କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟର କ'ଣ ପରିମାଣ ଥିବ ତ ଇଏ ହେଉଛି ରେଖାଖଣ୍ଡ ତ ଏବେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯଦି ସରଳରେଖାକୁ ଦେଖିବା ଯଦି ଇଏ ଗୋଟେ ସରଳରେଖା ହେଲା ବୁଝାପଡ଼ୁଛି ଇଏ ଯଦି ଗୋଟେ ସରଳରେଖା ହେଲା ଯଦି ମୁଁ ଆ ନାଁ ଦେବି ଇଏ ହେଲା ଏ ଆଉ ଇଏ ହେଲା ବି ଆଉ ଇଏ ଯଦି ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ହେବ ଓ ତ ଏଇଠି ଦେଖ ପିଲେ ଏଇଠି କ'ଣ ଅଛି ନା
ओ ए आउ ओ बी ए दुटा है कौन गोटे गोटे रश्मि तो देख बराबर ओ ए जी ओ है जी ए है ओ ए आउ ओ बी बुझा पड़ी आ बी ए दुटा जाक हूँ रश्मि अलग अलग रश्मि दीटा तेणु ओ ए रपरीत कि अच्छी ओ बी अच्छी तेणु ओ ए रपरीत ओ बी रश्मि बोली आम पढ़ी पार ठीक अच्छे ये आउ गए देख जदि ओ ए को आ बी जब आम संजोग करदे कौन जी ए सरल रेखाटा तैयारी तेणु ये आम कौन लिखिपर ओ एपटे एपटे तीर देवा ओ ए यूनियन ओ बी ठीक अच्छे तार कौन हम ये इक्वाल पल आस रेखा बा सरल रेखा बुझा पड़ी तो यू जना पड़ेगा जे यही रेखा बा सरल रेखार गोटे अंश हूँ रश्मि बुझा पड़ी तो ये आउ गोटे कथा देख पिले जदि आम रेखा बा सरल रेखा कथा आसवा देख ये एथे कौन थाए ना कौन सी आद्य बिंदु किंवा प्रांत बिंदु न थाए बुझा पड़ी माने कौठू आरंभ होगा कौटी सरला एगुड़ा किसी एथे जना पड़ो ना ठीक अच्छे किंतु ये आम जापर जे ये रेखा या असंख्य बिंदुर समाहार होने असंख्य बिंदुर सेट हूँ रेखा बा सरल रेखा बुझा पड़ी जदि आम रश्मि कथा देखा रश्मिर आद्य बिंदु आम जापर तो यहाँ जो ओ अच्छी ये ओ अच्छी तो युवा कौन हूँ आद्य बिंदु तो जब देखिए देख ये हूँ आद्य बिंदु ये हूँ आद्य बिंदु मैंने जो आरंभ है ठीक अच्छे आ कौटे शेष हाला आम जाने तेणु यार आद्य बिंदु आम जापर आद्य बिंदु ये अच्छे आए कौन असंख्य बिंदुर समाहार बुझा पड़ी जदि रेखाखंड देखा रेखाखंडटा हूँ पीले कौन ना यार गोटे अंश ये जो रेखार गोटे अंश तेणु आम लिखिपर ठीक अच्छे जदि मु यार ना देवी मनकर गोटे रेखा ना दूसरी पीले जदि ए बी कथा मुझे ए बी है कौन गोटे रेखाखंड ठीक अच्छे तेणु एट लिखिदेवि ए बी कौन हम ए बी इज सबसेट अफ ए बी ठीक अच्छे तार अर्थ ये जो ए बी रेखा आसला ए बी रेखार गोटे अंश हूँ ए बी ए रेखाखंडटा बुझा पड़ी ये सरल रेखार गोटे अंश हूँ सेमती आम जो देखा ओ एटा मध्य ओ ए इज सबसेट अफ ए बी ठीक अच्छे सेम बी मध्यपर ए मान एम कि अंश बुझा पड़ी तो जब रेखाखंड कथा तुम देख रेखाखंड कौन अच्छी दुईट प्रांत बिंदु अच्छी बुझे यहाँ हूँ तार प्रांत बिंदु ये तार प्रांत बिंदु आए असंख्य बिंदुर समाहार आ सब गुरुत्वपूर्ण कथा जे रेखाखंडर आम मध्य बिंदु बाहर करलरेडी मुझ अंकन रुझे पार्टी अंकन रोटे चैप्टर तुम बुझे जे जदि रेखाखंडी अच्छी तेल आपको कौन कराए समाधि खंड कर मध्यबिंदु बाहर कर पारे तेना तो मध्यबिंदु निर्णय करवा संभव जदि गोटे रेखाखंड टे अच्छी तो देख पे ये तुम यार इंग्लीश टर्म गुड़ाक तुम जाणि था तो बिंदु को इंग्लीश रे कौन कहे आपको कहे इंग्लीश रे पॉइंट कौन कह पॉइंट ठीक अच्छे देन रेखा कौन कह रेखा बा सरल रेखा कह लाइन ठीक अच्छे देन रश्मि को क्या रे ठीक अच्छे देन रेखाखंड क्या लाइन सेगमेंट कह लाइन सेगमेंट ठीक अच्छे ये इंग्लीश टर्म गुड़ाक जाणी था ठीक अच्छे तो भविष्य तुम एगुड़ा काम लगिपर पे कौन करती ना जिते ओडिया मीडियम पढ़ती से हटा जिते इंग्लीश मीडियम को जाती तो से सब जिते वार्ड गुड़ाक देखती जो पॉइंट लाइन रे लाइन सेगमेंट जहाँ भी किसी नुआ नुआ टर्म आसे तो से कन्फ्यूज पड़ती जिनसटा जानते कितु इंग्लीश टर्मटा से कन्फ्यूजन तैयारी कर तेणु ये कौन कर पे तुम इंग्लीश टर्म गुड़ाक आकुएंटेड हो जाऊ जहाद्वारा तुम भविष्य में काम लगे ठीक अच्छे ठीक अच्छे तो बर्तमान एवं पढ़ा सरल रेखार छेद बिंदु सरल रेखार छेद बिंदु कौन तो देख पे जदि मुझे सरल रेखाटे अंकन कली तो ये गोटे सरल रेखा केवे भी परस्पर छेद हो पारे ना तो गोटे सरल रेखार छेद हो पारे ना तो छेद हाँपी आमको कौन दरकार पड़ो एक ऊर्ध बुझा पड़ी दुई किंबा दुई रु अधिका जदि रेखा जदि नेबा ताहले सेमाने परस्पर को छेद करें अच्छा ठीक अच्छे जदि आम दुईट रेखा नेबा ठीक अच्छे जदि दुईट रेखा नेबा तो देख पे ये ऑलरेडी दुईट दुईट रेखा अंकन कर ठीक अच्छे तो ये जो दुईट रेखा है देख पे ये केतटा बिंदु छेद होगा गोटे बिंदु छेद होगा बुझा पड़ी जदि आम तीनो रेखा नेबा जदि तीनो रेखा ने तेल कौन हम देख ये गोटे देन ये गोटे
तो कई जगह सब रेखा देख ठीक अच्छे यही छाप गोटे देख पे ये बर्तमान केतटा बिंदु है तीनोटी बिंदु है छेद बिंदु यार कतोटी बाहर तीनोटी बाहर तेणु अति बेसी कतोटी बिंदु बाहर तीनोटी बाहर आ जब अति कम ना तो गोटे बिंदु बाहर ठीक अच्छे तीनो जगह जब रेखा जब परस्पर को गोटे बिंदु छेद कर तो ये कौन है गोटे बिंदु बाहर बुझा पड़ी तो जे मानने जी भी आम रेखा ना सर्वाधिक आम जिते अंक विशिष्ट आम रेखा ने तार अति कम्रे केवल गोटे ही बिंदु में छेद करें अति कम्डा ठीक अच्छे अति कम्रे से गोटे बिंदु छेद करेंगे आति बेसी आमको निर्णय करने को पड़ो जदि देख पे आम जदि आम चारोटी रेखा ने जदि चारोटी रेखा जब परस्पर को छेद करेंगे ताहले कौन हम देख पे तो देख मुझे गोटे रेखांकन कली ठीक अच्छे देन आउ गोटे रेखांकन कली दीटा है एबे देख पे आउट अंकन कले तीनोटी एबे देख आउट अंकन कले कत तो चारोटी रेखा बिंदु कौन है रेखा परस्पर को छेद कले तो ये देख कतोटी छेद बिंदु बाहर एक दुई तीन चार पाँच छठी छटी छेद बिंदु बाहर जिते बड़े आम तीनोटी रेखा परस्पर को छेद करते तीनोटी छेद बिंदु बाहर जिते आम दुईट नहीं थे गोटे छेद बिंदु बाहर आ गोटे गोटे छेद बिंदु बाहर ना तो यह भाव में कौन हम ना अति कम्रे गोटे बिंदु छेद करेंगे आति बेसी सब अलग अलग संख्या बाहर जब आम चार छटा आसा तीन टा नंबर तीन टा आसा पांच नंबर अलग आसो तो यही प्रकार जब आम अंकन करवा तो सब गुड़ाक अंकन करवा आम पक्षे असंभव जदि आमको प्रश्न आसे शहेटी रेखा परस्पर को केतोटी बिंदु छेद करेंगे तो से आम शहेटी रेखा अंकन करना जदि करवा भूल भाल हो ठीक अच्छे तो यह स्थिति रे तो आमको गोटे सूत्र मन रखा पड़ो कौन से सूत्र सूत्रटा हूँ बिले एन इंटु एन माइनस वन बै टू ठीक अच्छे तो ये प्रकार सूत्रटा तो मन रखीद परीक्षार मध्य आसे विभिन्न प्रकार पिला माने कॉम्पिटिटिव परीक्षा दे समय आसे गत वर्ष पिला माने आमर मेधावृत्ति परीक्षा मध्य देते एनआरटीएस देते देन पठाणी सामंत परीक्षा में देते तो यह प्रकार क्वेश्चन गुड़ाक प्राय आसे तो यही सूत्रटा को तुम मन रखी था यही सूत्र जो तुम मन रखी थे जिते सरल रेखा कही आम अति बेसी से कतोटी बिंदु छेद करापर ठीक अच्छे तो देख मनेकर तुमको प्रश्न आसो जदि दस टी रेखा जदि दस टी रेखा परस्पर को कतोटी बिंदु अति बेसी कतोटी बिंदु छेद करेंगे जब अति कम्रे पलि आसा तो सब एक हम मन रखी तो यहाँ अति कम बोले एक पलि आस ठीक अच्छे अति बेसी कथा जब आसा तो से सूत्रा पक एन कौन ना एन हूँ नंबर अफ कौन नंबर अफ लाइन ठीक अच्छे मान कौन तार संख्या मैं देख जब आम दस ने तो एन इक्वल दस हो बुझा पड़ी तो दस टी रेखा परस्पर को अति बेसी कतोटी बिंदु छेद करेंगे ना एन बदले आम दस बदल देख दस इंटु के दस माइनस एक तो कैसे नाइला बाई के दुई तो दुई को जब आम कैसे पाँच काटिद देख न पंचा पैंचाश तरह पैंचाश टी बिंदु ये छेद करेंगे तुम जब प्रमाण चाहो तो ये प्रयोग करें ये कतटा नहीं चारोटी नहीं तो जब आम एन बदले चार पका देख चार इंटु तो एन माइनस वन कैसे बाई दुई तो दुई दुगुणी चार देख तीन दुगुणी छः पलि आसा ना तो छटे आम आसाला तो जेहेतु आम चार नहीं अति सहजे करें जिते आम अधिका संख्या नवा अधिका कौन आम सरल रेखा अंकन करवा से आम पक्षे अंकन करवा असंभव होदिवा करने चेषा करवा भूल भाल हम तेणु आम सूत्रटी मन रखी आम अति बेसी कतोटी बिंदु छेद करेंटा को आम बाहर कर ठीक अच्छे मनकर प्रश्न आसला मनकर प्रश्न आसला बैशटी रेखा परस्पर को अति बेसी कतोटी बिंदु छेद करेंगे कतोटी बैशटी तार एन कौल के बैस है ये तो सूत्र बर्तन आम पकेब तो कौन हम एन इंटु एन माइनस वन बै टू तो एन बदल आम बैस पकदा इंटु कौन हम एन माइनस वन अर्थ बैस माइनस वन हो देन बै टू के बैस इंटु बैस एक गल के एक बै दुई ताकूम काटे एगार हो बर्तमान एगार को जब एक गुणीदेव कत देख ये एक इंटु जब एगार कर तो कैसे हम एगार एक एगार है एक रखा एगार दुगुण बैस एक तेईस तो दुईश तीस टी कौन छेद बिंदु आसो तो ए प्रकार तुम्हें बाहर करी तो एबे आमे देखिबा
कोण बा एंगल तो कोण बा एंगल केते बेले सृष्टि हबो त मन रख पिले बे जेते बेले दुईटी रेखाखंड परस्पर को छेद करिवे सेते बेले कोण सृष्टि हबो तो देखो पिले जदि मु दुईटा रेखाखंड अंकन करले एठी तो एठी कोण होला कोण सृष्टि होला तो मन रखी तो जिते बड़े दुईट रेखाखंड परस्पर को छेद करेंगे से अति कम गोटे कोण उत्पन्न हम आती बेसी चारोटी कोण उत्पन्न हम तो देख पे ये चारोटी कोण है ठीक अच्छे चार्टा कोण आसला तो जदि गोटे कोण कम देख पे ये गोटे रेखाखंड है ये आउ गोटे रेखाखंड है तो ये कतटा कोण है गोटे कोण है तेणु मन रखी तो दुईट रेखाखंड जिते बड़े परस्पर को छेद करेंगे तो से अति कम गोटे कोण से छेद करेंगे आती बेसी चारोटी कोण से छेद करिवे ठीक अच्छे तो एबे आमे जानिबा कोणर अंतर्देश बहिर्देश कौन कोणर अंतर्देश आउ बहिर्देश ठीक अच्छे आउ कोणर बहिर्देश अंतर्देश बहिर्देश कौन देख पिले मुझे ये कोणटी अंकन करछि तो देख या भितर बुझिपार या भितर जी भी बिंदु सृष्टि हे तो ये सबूक हूँ अंतर्देश आहर जहाँ भी कोण यागुड़ाक हूँ बहिर्देश ये आउ गोटे मन रखित कोणर उपरिस्त अच्छी कोणर उपरिस्त देख कौन मुझे डिटेल्स कहीदेवी तीन जाक मनकर ये कौन अच्छी ये ए अच्छी बी अच्छी आउ सी अच्छी डी अच्छी चार्टा बिंदु अच्छी बाहर कौन अच्छी मनकर ई अच्छी एफ अच्छी जी अच्छी ठीक अच्छे अब ऊपर कौन अच्छी ये अच्छी कौन एच अच्छी आई अच्छी देन ये अच्छी माने यही रेखाखंड उपरे तो ये बुझी पार कोणर अंतर्देश बहिर्देश उपरिस्त तो कोणर अंतर्देश को गुड़ाक हम अंतर्देश तो भितर जो मैंने अच्छा किए किए अच्छा कौन कौन अच्छा ए अच्छी ठीक अच्छे ए अच्छी देन बी अच्छी सी अच्छी आउ डी अच्छी तेणु ये चार्टा बिंदु हूँ कौन कोणर अंतर्देश अवस्थित अच्छा सेमती कोणर बहिर्देश कौन ये जो बाहर जी सब बिंदु गुड़ाक तुम देखु कौन अच्छी ई अच्छी देन एफ अच्छी आउ जी अच्छी तेणु ए तीन टा जो बिंदु आसला एगुड़ा कौन अच्छा कोणर बहिर्देश मैंने अवस्थित होपरिस्त कौन ना ये रेखा उपर मैं कोण उपर मैंने ये जो दुटा रेखाखंड नहीं जो कौन कोणटा तैयारी ये रेखाखंड जहाँ जहाँ बिंदु अच्छी से कोणर उपरिस्त कौन कौन अच्छी एच अच्छी आई अच्छी आउ जी अच्छी तेणु यही तीन टा बिंदु है कौन कोणर उपरिस्त बुझा पड़े समस्त को तो एबे आम जानवा विभिन्न प्रकार कोण कौन कौन कोण अच्छी तुम समस्त जान चतुर्थ श्रेणी पढ़ थो गोटे हूँ सूक्ष्म कोण ठीक अच्छे गोटे हूँ सूक्ष्म कोण आ गोटे हूँ समकोण ठीक अच्छे समकोण देन आउ गोटे हूँ कौन स्थूल कोण आउ गोटे हूँ स्थूल कोण ठीक अच्छे ये जो तीन टा कोण आसला तो तुम जान सूक्ष्म कोण क्या कहुए जोटा 90 डिग्री कम होता सूक्ष्म कोण कह ठीक अच्छे तो ये जो थीटाटा कौन हे थीटाटा हो 90 डिग्री टू सान तो एमती हो बुझा पड़े 90 डिग्री टू सान समकोण कौन ना ये जो कोणटा आसा कौन 90 डिग्री सहित सामान हो ठीक अच्छे आ स्थूल कोण कौन स्थूल कोण कौन हो 90 डिग्री टू अधिका बुझा पड़े जदि आम चित्र माध्यम देखा तो स्थूल कोण चित्रटा कौ प्रकार हे ना 90 डिग्री टू सान मान यही प्रकार हो ठीक अच्छे तो यही बर्तमान जो कोणटा आसला ये जो थीटा आसला यहाँ बर्तमान कौन है सूक्ष्म कोण होगा आ समकोण कौन समकोण 90 डिग्री ये प्रकार हो ठीक अच्छे स्थूल कोण कौन 90 डिग्री ठू अधिक देख हम कर ठीक अच्छे यहाँ हूँ कौन थीटा यहाँ जब थीटा ना तो ये कौन है 90 डिग्री ठू अधिक तेणु या कहुए स्थूल कोण तो तुम बर्तमान जापार सूक्ष्म कोण समकोण आ स्थूल कोण ठीक अच्छे ठीक अच्छे एवं आम जाना अनुपूरक कोण आपूरक कोण ठीक अच्छे तो लिखी दे अनुपूरक कोण गोटे हूँ अनुपूरक कोण आ गोटे हूँ परिपूरक कोण अनुपूरक कोण कौन देख पिले माने जो दुईट कोणर परिमाण परस्पर समष्टि जो कौन 90 डिग्री हो तो सेते से जोड़ाटा कह अनुरूप कोण ठीक अच्छे माने देख मुझे बुझे दूसरी मनकर ये गोटे कोण अच्छे यहाँ मनकर 30 डिग्री अच्छे ठीक अच्छे यहाँ केते डिग्री अच्छे यहाँ 60 डिग्री अच्छी
तो जितेबाला दीटा को मिसेले तो कत नबे डिग्री जीव षाठी प्लस तीस कत नबे है ठीक अच्छे तेणु यही दुईटा कोणर समष्टि जेहेतु नबे डिग्री है तेणु गोटे को आर टीर कौन हम अनुपूरक कौन हम बुझिपार ठीक रे बाकी ये जोड़ाटा कहुद अनुपूरक जोड़ी कहा जा बुझा पार्च ठीक अच्छे तेणु ये कौन हो दुईटा हूँ परस्पर अनुपूरक जोड़ी बा अनुपूरक कोण माने षाठी डिग्री अनुपूरक हम कत डिग्री आस डिग्री अनुपूरक हम षाठी डिग्री सेमती परिपूरक कोण कौन परिपूरक कौन हो देख ये कौन अच्छे मनकर यहाँ अच्छी कैसे षाठी डिग्री देन ये अच्छी कैसे शहे कोड़े डिग्री तो देख ये दुईटार कोण परिमाण समष्टि कैसे शहे अशी डिग्री है ठीक अच्छे तेणु यहाँ कौन है गोटे आर गोटेर परिपूरक कोण बुझा पड़ी तेणु ये मन रख दुईट कोण परिमाण समष्टि जदि नबे डिग्री हुए तो से परस्पर अनुपूरक कोण बोली कह जाए आ कौन दुईट कोण परिमाण समष्टि जदि शहे अशी डिग्री हुए तो परस्पर परिपूरक कह जाए ठीक अच्छे मनकर तुम प्रश्न आसला जे पंदर डिग्री अनुपूरक केत हम तो पंदर डिग्री अनुपूरक केत हम तो से कौन कर नबे डिग्री टू तुम पंद्रह फेड़ दबो तो नबे डिग्री माइनस पंदर करदे तो कैसे हो बर्तमान के पंचाशी पंचस्तरी पलिस तो पंचस्तरी डिग्री हूँ कौन पंदर डिग्री अनुपूरक ठीक अच्छे जो तुम परिपूरक प्रश्न आस मनकर तीस डिग्री परिपूरक के तो तीस परिपूरक कौन कर शहे अशी डिग्री माइनस करदे तो शहे अशी डिग्री माइनस कले कैसे शहे पचास डिग्री जी बुझा पड़ चुकी समस्त को तो एक प्रकार तुम अनुपूरक आ परिपूरक तुम निर्णय कर ठीक अच्छे तो बर्तमान पढ़ा प्रतिपकोण बा वर्टिकली अपोजिट एंगल प्रतिपकोण अलग अर्थ कहु विपरीत कोण कह तो देख पे प्रतिपकोण बा विपरीत कोण कौन तो जितेबले दुईट रेखा परस्पर को छेद करे तो देख ये तो दुईट रेखा परस्पर को छेद कले तो दुईट रेखा परस्पर को छेद कलापर तो देख पे ये जो कोण आसला देख ये चार्टे कोण या चार्टा कोण देखा ना तो बर्तमान देख पे मनकर मुझे गोटे कोण ने बुझा पड़ी मनकर एक कोण मनकर एक नंबर है यहाँ दुई नंबर है यहाँ तीन नंबर है आईटा चार नंबर है बुझा पड़ी तो ये बर्तमान देख पे तो ये बर्तमान जो चारिटा कोण आसला तो देख जदि मु कोण नंबर एक को नेबी तो एक प्रतिप बा विपरीत कोण कि हम ना प्रथम जो कोणटा तुम नेल यार आपको लगिकी जो कोणटा अच्छी ताको छाड़देव ता पाखे जोड़ा अच्छे से प्रतिप कोण मानते ठीक तार सामना पटा हाँ ठीक अच्छे तो एक प्रतिप कोणटा कि हम तीन हाँ तो लिखिद एंगल एक प्रतिप कोण हो प्रतिपकोण कौन हम एंगल तीन हम सेमती एंगल तीन एंगल एक हम बुझा पड़े एटा ये हम आईटार उल्टाटापर ठीक अच्छे सेमें देखा आम एंगल चार प्रतिपकोण कि हम एंगल चार जो अच्छी ए चार नंबर कोणटा यार प्रतिपकोण कि हम ई हम ठीक अच्छे तो यार प्रतिपकोण कि हम एंगल दुई हम से एंगल दुईर प्रतिपकोण कि हम एंगल चार हम बुझा पड़े ना आर प्रतिपकोण ये यार प्रतिपकोण ये देन एटार प्रतिपकोण यहाँ हम एटार प्रतिपकोण यहाँ हम बुझा पड़ी तो ये आम प्रतिपकोण बा विपरीत कोण तो एबा में जानिबा सन्निहित कोण कौन सन्निहित कोण ठीक अच्छे सन्निहित कोण बात इंग्लीश पद अच्छे एडजेसेंट एंगल ठीक अच्छे सन्निहित कोण कौन देख मु अति सरल भाषा बुझौजी तो ये देखा जदि दुईट रेखा परस्पर को छेद कर ठीक अच्छे जदि दुईट रेखा परस्पर को छेद कर भूल अच्छे ये करा दुईट रेखा जिते परस्पर को छेद कर चार्टा कोण या देख जमी आम पूर्व पढ़ते प्रतिप कोण तो ये सन्नीहित कोण कौन हम मनकर ये नी एंगल एक नी एटा दुई नी एटा तीन नी चार नी तो ये भल देख जो कोणटा मुझे ताको लगिकी जो कोणटा अच्छी सन्नीहित अर्थ ताको लगिकी जो कोणटा अच्छी सी हम तार सन्नीहित बुझिपारच तो ये जब मुझे नेबी एंगल एक सन्नीहित कि हम एंगल एक सन्नीहित कोण एक सन्नीहित कोण किए पार देख ये जो एंगेलटा को ये कोणटा को लगिकी किए अच्छे देख एंगेल दुई अच्छे चार भी अच्छे बुझा पड़े ना तो देख पे ये एंगेल एक सन्नीहित कोण किए किए ना एंगेल दुई है आउ
चार बुझा पड़ी समस्त को तो सेमती एंगेल जदि दुई ना एंगेल दुई रनि तो किए एंगेल दुई रनि तो किए देख आपको लगे कि अच्छे एंगेल तीन लगे अच्छे एपटे मत एंगेल एक अच्छी तो दीपट आड़ हम तेनाली किए किए ना एंगेल तीन हम एंगेल एक हम ठीक अच्छे एंगेल एक हम बुझा पड़ी सेमती एंगेल तीन टाउ तुम जब नब एंगेल तीन रनि तो किए एंगेल तीन रनि तो एंगेल चार हो पार एंगेल दुईटा मत हो पार तेनाली एंगेल चार हो पार एंगेल दुई मत हो ठीक अच्छे सेमती एंगेल चार को जो तुम नब कौन हम एंगेल चार सन्नी तो किपर एंगेल तीन हो पार एंगेल एक पार तेनाली एंगेल तीन हो पार एंगेल एक पार तो ये आमर सन्निहित कोण व आडजेसेंट एंगेल देख मुझे आउट उदाहरण नौ मनकर एक प्रकार गोटे कौन अच्छी तो ये मत तुम देख मनकर आ नाम दूसरी ए बी सी आईटा हूँ डी तो देख पिले ये कौन है ये जो ए बी सी कोणटा तैयारी ए बी सी रनि तो किए एंगेल डी बी ए हो बुझा पड़ी एंगेल ए बी सी रनि तो किए एंगेल डी बी ए हो बुझा पड़ी ये हूँ आर सन्नी तो ये आर सन्नी तो परस्पर सन्नी तो ये सब था ज्यामिति शास्त्र में व्यवहृत होता किसी पद तो या पर अच्छी त्रिभुज अच्छी चतुर्भुज अच्छी वृत्त अच्छी तो एति की तुम कम्प्लीट है ना तो यार जेहेतु आज वीडियो को बर्तमान बहुत लंबा हो सारे तेणु आज वीडियो शेष करवा तो यार पर वीडियो रे मुझे त्रिभुज विषय डिटेल्स पढ़ेबी चतुर्भुज विषय पढ़ेबी देन वृत्त विषय पढ़ेबी तेणु तुम्हें रेगुलरली वीडियो को आम देखु था जहाद्वारा कि तुम ज्ञान परिसीमा धीरे धीरे बढ़िवार लगे आ सियोर तुमको कहि आम रेगुला वीडियो देखुची तो सेमानको धीरे धीरे से ज्ञान परिसीमा बढ़ो आर जो गणित प्रति हो कि अन्य सब्जेक्ट प्रति हो जो भय थाए तो सेटा संपूर्ण भाव में दूर हो पार ठीक अच्छे तो आज वीडियो को आम एति शेष करवा तो जो मैंने चैनल को सब्सक्राइब करना हाँ चैनल को सब्सक्राइब करनी ठीक अच्छे आउ बेल आइकन को मध्य प्रेस कर देख बेल आइकन जो आसे तुमको तीनो ऑप्शन देखाए तो से ऊपर बटनटा क्लिक करल करदेव जहाँद्वारा कि आम जहाँ भी किसी आम वीडियो अपलोड करूँ तो तुम पाखक संगे संगे नोटिफिकेशन पहुँची पार ठीक अच्छे जहाद्वारा कि तुम वीडियो को संपूर्ण भाव देखिपार तेणु आम चैनल सहित तुम संपूर्ण भाव जड़ित तेणु आज ये वीडियो शेष करवा कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग धन्यवाद।